हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आज आपको पांच तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑनलाइन अर्निंग में भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एक दिन करा और उसके बाद अर्निंग आती रहेगी। नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको लगातार और रोजाना मन से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पाँच तरीके जिससे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है गूगल एडसेंस का। शायद आपने गूगल एडसेंस के बारे में तो सुना ही होगा। गूगल एडसेंस एक गूगल का ही एक प्रोग्राम है जिसके अंदर गूगल अपनी ऐड दूसरे की वेबसाइट्स पे या यूट्यूब वीडियोस पे दिखलाता है। तो दोस्तों, अगर आप एडसेंस के अर्निंग करना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। या तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए या दूसरा आपके पास यूट्यूब चैनल होना चाहिए। इन दोनों से अगर आपके पास कुछ भी है तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि जब आप अपना कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पर, अपनी वीडियो आपने अपलोड करी, उसके नीचे गूगल ऐड दिखलाता है। अगर विजिटर्स या जो वीडियो देख रहे हैं उस ऐड पर क्लिक करते हैं तो उसका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। सेम इसी तरीके से वेबसाइट पे होता है कि जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हो किसी की, तो साइड में आपने ऐड देखे होंगे। अगर आप उन ऐड पर क्लिक करते हो तो जिसकी वो वेबसाइट है उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के आप एडसेंस से कितना कमा सकते हो, कितने आपको मिलेंगे, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी कंट्री कौन सी है, लोकेशन कौन सी है, ऐड किस तरीके का है। और अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं आने वाले टाइम में एडसेंस के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। दूसरा तरीका है दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करना होता है, आपको कोई भी एक प्रोडक्ट या कोई वेबसाइट को प्रमोट करना होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो और आपके जो लिंक है उससे किसी ने उस प्रोडक्ट को परचेज करा है, आपके थ्रू किसी ने उस प्रोडक्ट को परचेज करा है, तो उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने अमेजोन पे मोबाइल का प्रमोशन कर रहे हो, किसी ने आपके थ्रू उस मोबाइल को परचेज करा है, तो आपके अकाउंट में उसका 1-2% आएगा। इसी तरीके से दोस्तों, फ्लिपकार्ट का भी एफिलिएट प्रोग्राम होता है, स्नैपडील का भी होता है, बाकी अन्य कई सारी वेबसाइट है जिनका एफिलिएट प्रोग्राम होता है। अब नेट पर सर्च करेंगे किसी वेबसाइट के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, तो आपको उसके एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में पता चल जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एफिलिएट प्रोग्राम के नाम और किस तरीके से उस पर रजिस्टर करता है वो भी लिखूंगा। दोस्तों, तीसरा तरीका है कंसल्टिंग का। अगर दोस्तों आप अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है किसी भी फील्ड के बारे में, तो आप उसके लिए दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बिजनेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है तो आप स्टार्टअप की मदद कर सकते हो, या आपको और भी किसी फील्ड के बारे में, तो आप किसी भी तरीके से लोगों की मदद कर सकते हो। अगर जैसे कई जने होते हैं करियर के बारे में बताते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो 12th पास होते हैं या जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन करी, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना करियर डिसाइड करें, तो वो उन्हें गाइड करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी फील्ड की, किसी भी तरीके की फील्ड हो, आप उसमें गाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें दो तीन तरीके आप किस तरीके से अपना काम चला सकते हो। या तो आप यूट्यूब चैनल के थ्रू ये काम कर सकते हो, या अपनी एक वेबसाइट बना के उससे काम कर सकते हो, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी आईडी बनाएंगे और उसके थ्रू वो आपको क्लाइंट देती है। ऐसे ही कुछ नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाला हूँ। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने चौथे तरीके पे, जो कि है ऑनलाइन कोर्स का। अगर दोस्तों आपको किसी टॉपिक के ऊपर अच्छी नॉलेज है, मान लीजिए जैसे आपको वेबसाइट बनानी आती है, तो आप उसके एक ऑनलाइन कोर्स बना के, कई वेबसाइट है जिन पे आप पोस्ट कर सकते हो, या यूट्यूब पे भी डालोगे तो उस पे आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हीं प्लेटफॉर्म को सर्च करें, जैसे udemy.com है या और भी अन्य प्रकार की कई सारी वेबसाइट है जिनकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, उस पर अपने कोर्सेज डालिए। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको ध्यान दिलवाऊँ, अगर आप हिंदी में पोस्ट डालते हो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट भी होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम में हिंदी कंटेंट काफ़ी ही कम है इन वेबसाइट्स पे। तो अगर आप हिंदी में कंटेंट डालते हो तो हो सकता है आपको एक काफ़ी अच्छी अर्निंग हो। तो लेकिन दोस्तों, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पूरा टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा, उस पर पूरा बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग होगी आपकी। दोस्तों, अब आते हैं अपने पांचवे तरीके, जो कि है यूट्यूब। आप सोचे होगे यूट्यूब के किस तरीके से पैसे कमाते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पे पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है, उससे रिलेटेड वीडियो बनानी है, अपना चैनल तैयार करके, और जब आपकी वीडियो पे काफ़ी अच्छे लाइक्स आने लग जाएंगे, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने लग जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो दोस्तों जो दूसरी कंपनियां होती हैं, कुछ लोग या कुछ प्रोडक्ट आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, मतलब आपको स्पॉन्सर करेंगे।
उस स्पॉन्सर में मान लीजिए आपको वो एक वीडियो के 10,000 रुपए देते हैं, तो इस तरीके से आप उसके थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। ये तो दोस्तों यूट्यूब पे एडसेंस तो है ही, आप एडसेंस से तो अर्निंग कर ही रहे हो, स्पॉन्सरशिप है, और तीसरी चीज दोस्तों इसमें आपको फेम भी मिलने वाला है, तो लोग आपको जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपको इनके बारे में और कुछ भी पूछना है या जानकारी चाहिए, आप नीचे लिखिए, मैं आपको आने वाले टाइम में जरूर बताऊंगा।